इनफैक्ट मिस्टर बसीन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर एक कमेंट मैं आपका भी लेना चाहती हूँ। बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है लोन्स को लेकर, डेफिनेटली ये कंपनियां बेनिफिशियरी होंगी क्योंकि इनके जो लोन के साइजेस होते हैं वो काफी स्मॉल हैं। तो ऐसे में दीवान हाउसिंग, रेपको होम फाइनेंस, कैनफिन होम्स, LIC हाउसिंग में से कोई स्टॉक पिक करना चाहेंगे आप, जहां पर जो एवरेज लोन साइज 12 से 19 लाख के आसपास का होता है, या फिर ग्रुप फाइनेंस आपको लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगा क्योंकि यहाँ पर आमतौर जो लोन्स डिस्बर्स होते हैं वो 10 लाख या उससे कम के ही होते हैं? हाँ दीपाली, तीन हमारी पिक्स रही हैं, HDFC इन द लार्ज कैप और LIC एंड ग्रुप फाइनेंस इन द स्मॉल कैप। LIC हाउसिंग इज द मार्केट लीडर, इट हैज शोन, उसके मार्जिन एक्सपेंशन हुए हैं और जैसे आपने जिक्र किया, अगर बॉन्ड यील्ड 7.65-7.69 है तो आपको ये देखना चाहिए कि स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ये अब इनका हाउसिंग फाइनेंस की तरफ अपने आप ही काफी रुझान हो चुका है। दे आर ऑल्सो वेरी बिग प्लेयर्स इन द मॉर्गेज मार्केट, तो उनके लिए बॉन्ड यील्ड्स का घटना एक ऑलरेडी एक्सपेंशन इन मार्जिन है। साथ में जो आपने टीयर वन पे रिलैक्सेशन दी है, आई थिंक देर शुड बी मोर मनी कमिंग इन टू द सिस्टम। सो इन अ नटशेल, जिस तरह की रियायतें दी गई हैं और जिस तरह से हाउसिंग के लिए बूस्ट है, आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस स्ट्रोक बैंक्स बिकम वेरी वेरी गुड प्लेस फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जी चलिए, ये थी अगर आप देखें राय संजीव की और गौरांग की NBFCs पर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर। थोड़ा सा एक बार फिर से मैं चलता हूँ मिड कैप्स में, स्मॉल कैप में, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है। एक मैं चीज़ आपके स्क्रीन पर रखूंगा वर्सेस डे लो और CMP यानी करंट मार्केट प्राइस, इसमें जो बड़ा डाइवर्जेंस है वो देखिए वो स्टॉक्स। राम की इन्फ्रा, ये ऑल दो अगर आप देखें लास्ट क्लास भी हमारा स्टॉक ऑफ द डे था, लेकिन फिर भी ये बाद में जब गिरा, आज इसको देखिए, आज इसके दिन का लो देखिए और अब का प्राइस देखिए, ऑलमोस्ट काउंटर 10% के अपर फीस पे है। फिर आप देखिए इगाशी मोटर्स, सुबह का प्राइस देखिए और अब का प्राइस कितना बड़ा डिफरेंशियल है। फिर आप देखिए एक और स्टॉक आई थिंक जिसका मधुकोन प्रोजेक्ट्स का, इसको देखिए सुबह एग्जैक्टली क्या प्राइस था और अब के प्राइस में हायर लेवल्स को सस्टेन कर रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स। आई थिंक कुणाल, अगर आप ट्रैक नहीं भी करते तो आई नीड योर कमेंट ऑन मधुकोन प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली, ये चाहते के लिए कैसा लग रहा है आपको? और मान लीजिए मेरा ट्रेड ग्रिप में है, अच्छे खासे ग्रिप में है और मैं सिक्योर करके बैठा हूँ more than 10%, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर भी होल्ड करूँ? देखिए, मेरी राय में प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है वीरेंद्र। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, दो दिन का बड़ा मूव आ चुका है और रिट्रेसमेंट के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है इन स्तरों पर कुछ सेलिंग आनी चाहिए, तो 56 के आसपास मुझे लगता है कि स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर है। जी, इनफैक्ट कुणाल, दो स्टॉक्स में कमेंट लेना चाहती हूँ, तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, दूसरे ग्राशी मोटर्स। ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं जो कल 20% का अपर सर्किट पर क्लोज हुए थे और आज भी 10-10% ऊपर है, अभी क्या अप्रोच है यहाँ पर? देखिए, दोनों में ही मेरी खरीद के राय है। मुझे लगता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का है, बड़े दिनों बाद इसमें एक मूव आता है वो दिख रहा है दीपाली, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 230 तक जाने की क्षमता है। इगार्शी मोटर्स भी चार्ट पर काफी मजबूत है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, खरीद करके चलना। कुणाल, आप दो चीज़ है, आई मीन प्लीज एक बार व्यूअर्स को इंडिया विक्स दिखाइए जरा, एग्जैक्टली इंडिया विक्स क्या कर रहा है और बाजार के ये दो दिन की तेजी देखिए, दो दिन की तेजी, इनफैक्ट मैंने शायद गलत शब्द बिठा दिया, तीन दिन की तेजी। अगर आप स्पीच ड्यूरिंग द बजट स्पीच के डेलो को देखें 6825 और अभी का लेवल ऑलमोस्ट ये 6.25 अंकों की तेजी, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 24 से 18 बांधे पे आ चुका है। कुणाल, क्या शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे आपको थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहे हैं? और अगर ओवरबॉट हैं तो थोड़ा सा हम ऑप्शंस पे बात करते हैं, और ऑप्शंस अगर मैं देखूँ जो एक्टिविटी है, कल आपने देखा 7200 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, 7200 की कॉल में बाइंग, 7400 की कॉल में बाइंग, हम ऑलमोस्ट उस 7400 के टारगेट्स को पूरा कर चुके हैं। अभी के स्टैटिस्टिक्स प्लीज जरा वायदा कारोबार की दिखाइए क्या हो रहा है इस वक्त। इस वक्त जो 7200 का कॉल राइटर कल भी सिस्टम से बाहर नहीं आया था, आज वो डिसाइसिवली बाहर है। 7200 में कॉल राइटिंग, 7300 में कॉल राइटिंग, 7400 में डिसाइसिव बाइंग 6,31,000, और आज आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 7600 की कॉल में 14 लाख शेयर जुड़े हैं और आउटस्टैंडिंग OI 43 लाख पहुंच चुका है। और कुणाल, आप पुट राइटिंग देखिए कि 7300 पे 16,38,000। नाउ एक तरफ आप ओवरबॉट हैं, एक तरफ अभी भी 7300 की पुट काफ़ी ओपन इंटरेस्ट खींच रही, दैट मीन्स बेस शिफ्ट हो रहा है 7200 से 7300 के आसपास, 7600 की कॉल वहाँ ओपन इंटरेस्ट गेन कर रही है। निफ्टी पर आप क्या करना चाहेंगे अब? देखिए, मेरी राय में वीरेंद्र, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मुझे लगता है कि अभी भी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करना चाहिए। जिस तरह के ऑप्शन स्टेटिस्टिक्स हैं, मुझे लगता है कि और तेजी बनेगी। लोग इस तेजी में खरीद पाए नहीं हैं क्योंकि बहुत तेजी से आपने बाजार को बढ़ते हुए देखा, तो मौका नहीं मिला। बात से सहमत हूं, आई मीन यू आर होल्डिंग लॉन्ग्स, लेकिन क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे फ्रेश पार्टिसिपेट करना है तो मेरे पास विकल्प क्या है? या तो मैं 7200 की 7300 की पुट बेचूं, या आउट ऑफ मनी 76 या 75 पे फोकस करूं, तो इसमें से ऑप्शन साइड पे क्या चलेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है 7500 की कॉल खरीदें तो सबसे सेफ ट्रेड है, उसमें कुछ खास डाउनसाइड नहीं है, उसको खरीदना चाहिए।
जी, इसके अलावा एक स्टॉक आप देखिए वो है प्रभा डेयरी का, 20% के अपर सर्किट पर ये स्टॉक लॉक्ड है। कल भी हमने इसमें एक अच्छा स्ट्रेच देखा था, और आज अगर आप वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन देखेंगे तो 8-9 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स आज स्टॉक में देखे गए हैं। इनफैक्ट मिस्टर भसीन, अगर आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को तो मैं कमेंट लेना चाहूंगी, बजट में जिस तरह से डेयरी पर एलोकेशन बढ़ाया उसका बेनिफिशियरी रहेगा ये स्टॉक, और लिस्टिंग के बाद 2 अर्निंग्स कंपनी ने पोस्ट की है और दोनों ही अर्निंग्स जो रही है वो काफी स्ट्रांग रही है, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर। तो अभी कॉमेंट्स क्या है आपके प्रभा डेयरी? हाँ, ये दीपाली अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी थोड़ी पोअर है, एंड बीइंग ये एक मिड कैप टू स्मॉल कैप स्टॉक है तो इसका जो है इंपैक्ट कॉस्ट ज़्यादा है। साथ में आपको पता है मिड कैप्स हैव बीन बेयरिंग द ब्रंट ऑफ द सेलिंग, और क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई थी ये स्टॉक घट गया है, लेकिन ये 90-95-100 के भाव में अगर मिलता हो तो बहुत अच्छा बाय है, बिकॉज इसमें जो है मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं और इसकी रीच बढ़ रही है, प्लस इन्होंने कॉर्पोरेट जगत में काफी ज्यादा टाई अप किया हुआ है ऑन द स्पेस ऑफ चीज एंड ऑन द पिज्जा मार्केट, इनका मार्केट शेयर वहां बढ़ रहा है, विच आर एंसिलरीज ऑफ मिल्क। तो हमें लगता है जो इसके पीयर ग्रुप है, एक हैटसन एग्रो वगैरह है, उनकी मार्केट कैप इससे ऑलमोस्ट डबल है, तो इसकी मार्केट कैप टू प्राइस टू सेल्स बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन आपको यहाँ 6 महीने से 1 साल की नवदी रखें तो आई थिंक 25-30% का रिटर्न मिल जाना चाहिए। इट्स अ गुड कंपनी, उसके रिजल्ट्स भी 2 क्वार्टर में जैसे आपने कहा अच्छे हैं, हमें यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लगता। ये इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फियर, क्योंकि ये लिक्विडिटी की वजह से थोड़ा घटा था।